जय हिंद गाइस। चलिए मैं आपको दिखाती फायरिंग रेंज का जो एरिया है, वहाँ जो एरिया होता है, जो रोड होती है, उधर उधर सब सूचना दे दी जाती है और उधर एक संतरी बैठा दिया जाता है। देखिए, जैसे ये रेड कलर का टी शर्ट पहना हुआ संतरी है। तुमको खड़े रहना चाहिए बेटा, तुम बैठे हो आराम से, है ना, तुमको ऐसे खड़े रहना चाहिए। ये रेड कलर का फ्लैग है। इस तरह जो भी फायरिंग रेंज होता है, उधर ये लाल झंडा, एक संतरी लाल कलर का कपड़ा पहना हुआ रहता है, और वहीं पे दोनों रास्तों में जितने भी रास्ते हों आसपास, वहाँ लगा दिया जाता है। अब यहाँ पे ये एनसीसी कैडेट्स हैं, ये फायरिंग कर रहे हैं। जो इंस्ट्रक्टर्स हैं वो उनको करवा रहे हैं। ये वन बाई वन का टारगेट है। ये देखिए, ये बच्चे सैंड बैग पर लैंग पोजीशन पे फायरिंग कर रहे हैं। ये इनका टारगेट, मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ थोड़ा। ये लैंग पोजीशन पे फायरिंग कर रहे हैं बच्चे, और ये वन बाई वन टारगेट है। दिखा आपको टारगेट, वो उधर भी देखो, लाल झंडा और एक संतरी है। इस तरह फायरिंग रेंज का जो एरिया होता है, कोई पहाड़ी एरिया होता है जहाँ से लोग गुजरे नहीं और कोई हानि ना हो, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज मैंने आपको दिखाया फायरिंग रेंज का एरिया कैसे होता है, बच्चे फायरिंग कैसे करते हैं। जो हेल्पर्स होते हैं वो पीछे खड़े रहते हैं उनको एमिनेशन देने के लिए। चलिए दोस्तों, जय हिंद, फिर मिलते हैं।